आपको पता ही होगा इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बन चुका है, तभी से व्यूज आना कम हो चुका है, इंस्टाग्राम का यूजिंग क्वांटिटी बढ़ चुका है, इंस्टाग्राम पागल हो चुका है। ना 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 गलत हो गया, डर लगे भाई, जुग जुग के चक्कर में घर से ना उठा ले। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हैशटैग तो लगाते हैं लेकिन उनका रील्स में व्यूज नहीं आता जितना बाकी सारे लोगों का आता है। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और जो सबसे अलग है, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। एंड सबसे पहला काम है कि आपको रील्स अपलोड कर देना, रील्स अपलोड करने के बाद आप कुछ अपलोड वाले ऐसा पेज पे आ जाओगे, जब स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, जब आप अपलोड वाले पेज पे आ जाए उनके बाद आपको बैक आ जाना है एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके एंड यहाँ पर डेस्कटॉप साइज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आते हैं मेन पॉइंट में, आपका वीडियो अगर फनी से रिलेटेड था तो आपको मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे क्लिक करके एंड यहाँ पर आपको सर्च कर देना, फॉर एग्जांपल मेरा रील्स फनी से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर सर्च कर देंगे फनी। सिर्फ आपको फनी सर्च करना, फनी सर्च करके आपको यहाँ पर ही इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है एंड ये सर्च ले लेगा एंड आपको थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा एंड लोड लेने के बाद आपको सेमी रिलेटेड काफी सारा हैशटैग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सब हार्ड है, जो अभी रैंक कर रहा है वो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर सेंड करेगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि ये हार्ड वाला हैशटैग है, ये मीडियम है, ये आई, ये भी हार्ड है, ये भी मीडियम है, ये लो है, काफी सारा आपको यहाँ पर हैशटैग मिल जाता है। सो अब आपको हार्ड वाले पर जाना, जैसे कि ये रेड दिखा रहा है ना आपको हार्ड, यहाँ पर जाना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फनी कितना मिलियंस है, कितना मिलियंस में पोस्ट है, ये हैशटैग में कितना मिलियंस पोस्ट है, आपको वो भी दिखाई दे देगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब आपको यहाँ पर देखो थोड़ा सा जूम करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक बॉक्स आपको मिलेगा जो कि सिलेक्ट हैशटैग का, ठीक है। अब आप जैसे कि यहाँ पर आप और नो मोर पर जाओगे तो सो मोर पे, एक मिनट, यहाँ पर आपको एक सो मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके और आपको यहाँ पर हैशटैग हार्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसको कॉपी कैसे करना, अब आपको जैसे कि ये वाला हैशटैग कॉपी करना तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, बस आपको क्लिक करना हो कि अभी रुक जाओ। अब आपको अगर ये वाला फनी टिप्स चाहिए तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे, फनी फनी चाहिए तो हम फनी फनी के ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड फनी फैंस चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड फनी डॉग्स चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जो आपको हैशटैग चाहिए आप उसके ऊपर जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का एंड आप इसके ऊपर क्लिक करके ये हैशटैग को कॉपी कर सकते हो एंड जाकर वहां पर पेस्ट करके अपना रील्स को अपलोड कर सकते हो एंड आई एम श्योर जो आपका जो रील्स है वो रैंक करना स्टार्ट कर देगा। सो अब आपको जो भी रील्स अपलोड करना है आपको उसी वेबसाइट से हैशटैग को सर्च करना है, फाइंड करना है, जो अभी रैंक कर रहा है, जिसपे काफी सारे लोग रील्स रैंक कर रहा है, वही हैशटैग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड आपको मैंने सब कुछ बता दिया, जो हैशटैग आपको पसंद आया उसको सिंपली कॉपी कर लेना। तो ये कुछ ऐसा स्टेबल फ्लैमेंट है जिसको यूज करने के बाद आपको कुछ एक तगड़ा इनिशियली बूस्टअप देखने के लिए मिलेगा, आप खुद देख लेना एंड और ये वेबसाइट काफी ज्यादा तगड़ा है, सो एक दफा यूज जरूर करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।